But if I'm not able to perform, you are not able to have fun. That's सभी के लिए स्टूडियो के अंदर दो बड़ी खास इन्फॉर्मेशन लेके आओ जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली इन्फॉर्मेशन है अरिजीत सिंह के बारे में, दूसरी बड़ी खास इन्फॉर्मेशन है द केरला स्टोरी मूवी के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के अपडेट लाते रहता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बिग इन्फॉर्मेशन था हमारे भारत के नंबर वन सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में। जैसा कि आप बता दूं, अरिजीत सिंह औरंगाबाद के अंदर एक कॉन्सर्ट कर रहे थे, शो कर रहे थे। वहां पे कॉन्सर्ट के दौरान एक लड़की उनका हाथ पकड़ के खींचती है और आपसे बता दूं कुछ चोट वगैरह भी लगी। आप सबसे पहले वो उस पर रिएक्शन क्या दे रहे हैं, वो लड़की के हाथ खींचने में, आप सबसे पहले वो देख लीजिए। You must be coming from Antarctica, madam. But you have to understand one thing. You are a grown up, right? You are a mature person, right? Why did you pull me like that? So that my hand is shaking right now. I can't move my hand. Obviously, I will come in front of everybody, man. I love everybody here. I will go to everybody. तो जैसा कि आपने देखी लिया हुआ किस तरह से अरिजीत सिंह रिएक्शन दे रहे हैं और साथ उनको चोट वगैरह भी आप सभी फोटो दिखी रहा हुआ, उनके हाथ को पट्टी वगैरह बनी है, हाथ खींचने को लेकर। तो आप ट्विटर पे कई सारे हैशटैग चल रहे थे उनके नाम के कि आर्टिस्ट की इज्जत करना चाहिए और अरिजीत सिंह भारत के सबसे बड़े सिंगर, उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जी पहली इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऐसे में आप सभी को दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन दूं द केरला स्टोरी मूवी के बारे में। जैसा कि आप सुना कि मूवी को लेकर जम के विरोध चल रहा है, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ, टीजर रिलीज हुआ, जब से मतलब इसका विरोध चल रहा है और ऐसे में फाइनली रिलीज हो जाती है। उसके अंदर ये बताया जाता है किस तरह से गलत तरीके से इस्लाम को कबूल किया जाता है, कराया जाता है और आईएस में भर्ती किया जाता है और किस तरह से जुल्म किया जाता है, रेप किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई गई। तो ऐसे में कई सारे लोगों को मतलब ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, लेकिन ऐसे में कई सारे लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आ रही है। कई सारे लोग बोल रहे कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, मतलब बीजेपी की तरफ से मतलब ये मूवी को लाया गया है, आरएसएस की तरफ से इस मूवी को लाया गया। लेकिन ऐसे में कई सारे उसकी बैन की मांग भी की थी और आपसे दादू कोरोना ने उसे बैन लगाने से मना किया था। लेकिन ऐसे में जो खबर निकल कर आ रही है, जो थिएटर के जो मालिक है तमिलनाडु के, उन्होंने डायरेक्ट इस मूवी को निकाल दिया है और जो टिकट पर मतलब ऑनलाइन टिकट बिकती वहाँ से भी उसे हटा दिया है। तमिलनाडु की बात करो, सबसे बड़ी जो बिग इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है बंगाल की, ममता बनर्जी वहाँ की जो मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद इस मूवी को बैन करने की मांग की, इस मूवी को हटाने की, थिएटर से हटाने की मांग की ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री है। क्योंकि आप सबको बता दूँ उन्होंने इसके पीछे जो वजह बताई, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब इसके वजह से दंगे भड़क सकते हैं, इसके वजह से मतलब विवाद हो सकता है, इसके वजह से झगड़े हो सकते हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा हो सकती है। तमिलनाडु में भी सेम ये मतलब वजह बताई गई और यहाँ भी बताई गई, ऐसे में बता दूँ दो जगह इस मूवी को बैन कर दिया गया है। लेकिन इसी पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मूवी देखा तो आपको क्या लगता है, ये मूवी से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, मूवी अच्छी है बुरी है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर प्रोपेगेंडा वाली मूवी है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो जितना हो सके उतना फैलाइए ताकि लोगों तक वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि बंगाल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर बैन हो चुके हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।